नॉन एक्वस सॉल्वेंट सबसे पहले जो चैप्टर है इसका मीनिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यही होता है, बी ऐसे सॉल्वेंट अदर देन वाटर जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं और वो हमें रिएक्शंस करने के बाद बहुत अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। मतलब हम इतना कह सकते हैं, अभी हमें पता है भी वाटर जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, हम देख सकते हैं वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फिजिकल सुटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। लेकिन कई रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जो वाटर के अंदर नहीं हो पाती हैं, जैसे कि हम कहते हैं भी जैसे कार्बोनियम आयन्स हैं, नाइट्रोनियम आयन्स हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वाटर जो होता है वो बेसिक होता है तो ये उसके बीच में रिएक्शन नहीं कर सकती। तो हमें हाईली एसिडिक सॉल्वेंट जैसे कि एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी या सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन होने के लिए। तो हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं भी ये कंपल्शन नहीं है भी हमें वाटर ही चाहिए किसी भी रिएक्शन को अक्कर करने के लिए, उसके अलावा भी हमें और भी चीज़ें की और भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि रिएक्शन हो सके। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, इट मे बी दस डिफाइंड एज सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के, विच डिजोल्व ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को डिजोल्व कर लेती है और क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ताकि बहुत ज़्यादा केमिकल, वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सकें। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट की सबसे पहले हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम यही देखते हैं अभी हमने सॉल्वेंट को क्यों सेलेक्ट किया वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे भी ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट ही क्यों हमें चाहिए। सबसे पहले चाहिए लिक्विड रेंज और मेल्टिंग, लिक्विड रेंज जो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम पढ़ते हैं अभी जितनी भी रिएक्शंस है यूजली वो लिक्विड फेज में होती हैं, ठीक है। तो एक लिक्विड रेंज यानी कि टेम्परेचर रेंज सेट की जाती है बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, भी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो टेम्परेचर रेंज उन दोनों के बीच में लाई करेगी जो हमें क्या बताता है कि सॉल्वेंट की क्या यूजफुलनेस है, भी ये सॉल्वेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, अगर हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वाटर लो टेम्परेचर पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, तो वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं भी हम एक टेम्परेचर रेंज सेट कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट हम 0 डिग्री ले रहे हैं, मतलब ठीक है बॉइलिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास एक टेम्परेचर रेंज होती है जिसके बीच में एक रिएक्शन अक्कर करती है जिससे हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की प्रॉपर्टी का भी पता चलता है। आगे हम देखते हैं भी हमारे पास एक टेबल है ये वाला जिसमें हम कहते हैं वाटर हाईली सुटेबल है और कन्वीनियंट मीडियम है जो केमिकल रिएक्शन करता है। आप देख सकते हो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 है और बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो हम कहते हैं वाटर जो है बहुत सुटेबल है, प्लस हम इसमें ये भी कहते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन आकर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड NH3 और सोडियम SO2 है, कैन ओनली बी यूज एट लो टेम्परेचर। आप लिक्विड NH3 और SO2 देख रहे हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं भी ये जो है ये लो टेम्परेचर पे यूजली यूज करे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज इन अ सॉलिड मस्ट बी ओवरकम बिफोर इट मेल्ट्स। वो कहता है मेल्ट होने से पहले जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज एक सॉलिड, सॉलिड चीज क्या होती है जिसमें जो अट्रैक्शन की पावर है बहुत अट्रैक्टेड है, उसमें कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज बहुत ज्यादा होती हैं, इसको कम करने के लिए मेल्ट होने से पहले ये कम होनी चाहिए। एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैव टू ओवरकम बिफोर ए लिक्विड बॉइल्स, और लिक्विड के बॉयल होने से पहले, इसीलिए हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें आइडिया देता है कि कैसा नेचर है और कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, भी वाटर के अंदर कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है या किसी और सब्सटेंस में कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है, भी वो बॉयल होएगा तो उसकी फोर्स टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिक्विड अमोनिया हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओनली 239.6 केल्विन, बट ड्यू टू हाई पोलर नेचर इट हैज हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम कहते हैं जो लिक्विड अमोनिया है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और लेकिन पोलर नेचर है, पोलर नेचर हम देखते हैं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू है हीट ऑफ वेपराइजेशन की। क्यों हीट ऑफ वेपराइजेशन की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमें उसका एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पता चल गया भी वो ब्रेक हो जाएंगी। दीज वैल्यू इंप्लाई दैट ऑल द लिक्विड अमोनिया बॉइल्स एट लो टेम्परेचर पे वो बॉइल कर जाता है ओनिंग टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट डज नॉट वेपराइज इजिली। हम बोल देते हैं अभी हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई वैल्यू है लेकिन वेपराइज नहीं कर पाता, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता इजिली। इन अदर वर्ड्स इट इंडिकेट्स दैट इवन एट रूम टेम्परेचर लिक्विड अमोनिया वेपराइज स्लोली एंड दस बी मेंटेन्ड इन लिक्विड स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम ये कह सकते हैं ना भी जब हम लिक्विड अमोनिया को बॉइल कर रहे हैं तो वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि वेपराइज में वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको टाइम लग रहा है। दस अमोनिया विच इज
विच इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर वंस लिक्विफाइड कैन स्टे एज लिक्विड फॉर क्वाइट सम टाइम. हम ये भी कह सकते हैं अभी अगर इसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विफाई कर दिया, तो वो लिक्विड रहेगा. अगर हम रूम टेम्परेचर पे उसको लिक्विफाई करते हैं तो वो लिक्विड ही रहेगा कुछ टाइम के लिए. ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में डिफाइन करते हैं. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वन मोल ऑफ सब्सटेंस. कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है एक मोल से, एब्जॉर्ब होना, टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. जब हम सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि हम बॉइलिंग कर रहे हैं, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है वो होती है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. वेपराइजेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होना जब हम लिक्विड से वेपर में, जब हम उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो है वेपराइजेशन. अब एक और मेजर हम यूज़ करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बताने के लिए, एक पैरामीटर यूज़ करते हैं जिसको ट्राउटन कांस्टेंट कहते हैं. ट्राउटन कांस्टेंट क्या मेजर करता है? रेशो ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की रेशो टू द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है ट्राउटन कांस्टेंट. ऑर्डिनरी लिक्विड के लिए ट्राउटन कांस्टेंट होता है 21.5. इसको हम कैलोरीज और बॉइलिंग पॉइंट मतलब केल्विन में मेजर कर सकते हैं. इन सच लिक्विड्स देयर आर नो फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. इन लिक्विड्स में कोई और फोर्स नहीं हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल ट्राउटन कॉन्स्टेंट की वैल्यू वाटर अमोनिया के लिए ग्रेटर होती है 21.5, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज से हेल्ड होती है इस वजह से. तो जैसे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू हमें दे रखी है. ट्राउटन कॉन्स्टेंट क्या होती है? रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन